आज हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कराते हैं। उससे पहले हमें क्या करना होगा, वो बेसिक चीज़ें हमें सारा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो हेलो वर्ल्ड होगा ये मैं आपको मेवन के थ्रू बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना आईडीज कॉन्फ़िगर करके ओपन करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड में हमें दिख रहा है पैकेज एक्सप्लोरर। अगर आपको ये विंडो नहीं दिख रही है तो आप इसको कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको मेन्यू बार पे जाना पड़ेगा। वहाँ आपको दिखेगा एक विंडो मेन्यू, देन शो व्यू, और फिर यहाँ पे हमें लुकअप होगा पैकेज एक्सप्लोरर। क्लिक ऑन दैट, आ गया वही लेफ्ट साइड वाला विंडो। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू पे क्लिक करके हमें एक जावा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। एंड हेलो वर्ड नाम देते ही उसके बाद हमें सिंपली क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। ये मेरा एक सिंपल सा एप्लीकेशन तैयार है जिसमें SRC है और JRE सिस्टम। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हेलो वर्ड प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेवन में। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद यहाँ आप देखो आपको कन्फिगर दिख रहा होगा, और इस कन्फिगर में क्लिक करके हमें क्या दिख रहा है, कन्वर्ट टू मेवन प्रोजेक्ट। तो सब जैसे हम इस मेवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ये हमें एक डिफ़ॉल्ट पॉम फाइल का कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेगा जिसमें हमें क्या दिख रहा है, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन और एक पैकेजिंग। हम इसको चेंज नहीं करते, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। इसकी जो पैकेजिंग होगी वो जार फाइल होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम अभी कोर एप्लीकेशन बना रहे हैं, जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये वार फाइल में कन्वर्ट होगा। नाउ सिंपली आई जस्ट गो एंड फिनिश। जैसे ही हम इस फाइल को फिनिश करेंगे ये हमें एक फाइल क्रिएट करके देगा जिसका नाम होगा pom.xml, जिसका नाम है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। इसमें हम वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे स्प्रिंग की जितनी भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए होंगी हम वो यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। नाउ यहाँ आप देखो राइट साइड पे pom.xml दिख रहा है, क्लिक ऑन दैट, और ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मेवन के बारे में और आपके जावा के वर्जन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अब हमें दूसरा काम क्या करना होगा, सबसे पहले हम SRC पे राइट क्लिक करेंगे और एक पैकेज बनाएंगे। तो न्यू पैकेज, इस पैकेज का नाम मैं अपने ब्लॉक के नाम से डाल देता हूँ, तो comp.deepsingh44.blogspot.model। मॉडल यहाँ पे हमने एक सब पैकेज बनाया और ये मेरा ब्लॉग भी है deepsingh44.blogspot.com। एनीवे अब हम इसे सिंपली फिनिश करते हैं। जैसे हमने फिनिश किया अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमारा एक पैकेज। उस पैकेज पे हम राइट क्लिक करते हैं और बनाते हैं क्लास, सिंपल सी एक क्लास। इस क्लास का नाम हम सिंपली क्या रखेंगे, हेलो वर्ल्ड एंड देन फिनिश। अब सिंपल हम एक मेथड एक्सेस करना सीखते हैं, तो पब्लिक वॉइड एंड हेलो, या हेलो ना दे के हम देते हैं सिंपल मैसेज, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कोई भी मैसेज अपने कंसोल पर प्रिंट करते हैं, और टेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे मैसेज कन्वे करना चाहूँगा हेलो वर्ल्ड। अब सिंपल हम लोग जो बेसिक कोर जावा में हम लोग करते थे क्या करते थे कि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर हम इस मेथड को उसके रेफरेंस से कॉल करते थे। अब इस चीज़ को हम विद इन अ क्लास भी कर सकते हैं, बट गुड थिंग इज व्हाई नॉट क्रिएट अनदर क्लास दैट नेम इज टेस्ट और क्लाइंट व्हाटएवर। सो सिंपली मैं इस क्लास का नाम क्या रख रहा हूँ, टेस्ट, और इस टेस्ट में हमारे पास क्या होगा, मेन मेथड। और इस मेन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रीवियस जावा की अगर हम बात करते हैं, हेलो वर्ड एच इज इक्वल्स टू न्यू हेलो वर्ड, हमने क्या किया, जो पुराना स्टाइल था हम उसमें क्या करते थे, ऑब्जेक्ट खुद बनाते थे और एच के साथ हम क्या करते थे, उस मेथड को कॉल करते थे, और जैसे ही हम इसे रन कराते थे सिंपल हमारा मैसेज कन्वे होता था कहाँ पे, हमारे कंसोल पे, लाइक दैट। दिस इज द ओल्ड स्टाइल। बट अब अगर हम यही सेम टास्क
स्प्रिंग के थ्रू करें, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है, हे यू डोंट नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस बाय योरसेल्फ। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को अब मैं आपको बना के दूंगा और इस ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल को भी मैं ही मेंटेन करूंगा। बस आपको इस ऑब्जेक्ट को कन्फिगर करना पड़ेगा, इस क्लास को कन्फिगर करना पड़ेगा मेरे एक कन्फिग्रेशन फाइल में। तो लेट्स सी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले SRC लोकेशन में हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग की फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो बेसिकली मैं कन्वीनियंट के लिए क्या रखूँगा, स्प्रिंग अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट XML। इट्स सेम जस्ट लाइक web.xml इन सर्वलेट। अब जब भी हम XML की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, DTD। तो DTD कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमें नेट पे जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो, एंड दिस इज माय ब्लॉग, जहाँ पे आपके पास देखो आपके पास कोर जावा स्प्रिंग डेवलपमेंट हाइबरनेट डेवलपमेंट आप ये देख सकते हो। एंड जस्ट क्लिक ऑन स्प्रिंग डेवलपमेंट, सो हियर वी हैव अ स्प्रिंग इंट्रोडक्शंस। और इस स्प्रिंग इंट्रोडक्शन में मैंने स्प्रिंग के बारे में, क्या है स्प्रिंग, क्यों यूज़ करते हैं, IOC कंटेनर क्या है, कितने तरीके हैं, कितने कंटेनर्स हमारे पास है, कौन सा बेस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। सो मैं इस वीडियो में इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट मेन मेन चीज़ जो है मैं आपको अंडरस्टैंड करा दूँगा ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी DDD को लुकअप करना है। तो DDD कहाँ से मिलेगी, तो लेट्स गो स्प्रिंग DTD स्कीमा। कोई भी लिंक ओपन कर लो, थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। सो लेट्स वी हैव सम दिस, तो आई जस्ट कॉपी दिस वन जिसमें हमारे पास वर्जन भी है और DTD। जैसे सर्वलेट के web.xml में रूट टैग होता था वेब ऐप, वैसे यहाँ पे रूट टैग होता है बीन्स, और इसी बीन्स के अंदर हम अपने सारे बीन को डिफाइन करते हैं। तो लेट्स सी, हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और हमने क्या करना है, इस बीन टैग को क्लोज कर दिया, सिंपल। अब हमें जिस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए होगा, हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बतानी पड़ेगी ताकि स्प्रिंग हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट बना के दे। तो कैसे बनाते हैं, तो वी हैव अ बीन टैग, और बीन में ID एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करता है। तो आप कुछ भी रेफरेंस दे सकते हो, लाइक हेलो एच व्हाटएवर। एंड यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, और इस क्लास में हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम मेंशन करते हैं। तो दिस इज माय पैकेज, सो जस्ट कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड डॉट व्हाट इज योर क्लास नेम, तो हेलो वर्ल्ड। चेक करने के लिए हम कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करते हैं तो एक हाइपरलिंक बन जाता है, जिस पे क्लिक करते ही वो क्लास को ओपन कर देगा। इसका मतलब हमने अपनी क्लास को सही तरीके से कन्फिगर कर दिया है। अब हमें चाहिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अपनी टेस्ट क्लास में। बट इसको लेने के लिए स्प्रिंग हमें क्या कहता है कि हे आपको मैं दो तरह के कंटेनर्स प्रोवाइड करता हूँ, कौन कौन से, बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब दो हमारे पास कंटेनर एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्यों, डिफरेंसेस आप यहाँ से पढ़ सकते हो ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्प्रिंग जो भी कन्फिगर करता है, जो भी टास्क परफॉर्म करता है, वो मॉड्यूल बेसिस पे करता है। तो वो कहता है पहले आपको उसका मॉड्यूल अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट्स गो सर्च करना पड़ेगा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेवन डिपेंडेंसी, और लेटेस्ट जो भी हैं हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं ना। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि मेवन है, और मेवन में एक ये डिपेंडेंसी ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी वर्जन डिफाइन है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे चल के अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नहीं, सॉरी पॉम डॉट एग्जाम्पल में बिल्ड के बाद
एक टैग होता है इसके पास डिपेंडेंसीज़, और जितनी भी हमें डिपेंडेंसीज चाहिए होती है उसके अंदर मेंशन करते हैं और सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे डाउनलोड कर देगा, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा सक्सेसफुली यहाँ पे एक मेवन का फोल्डर बन जाएगा और उसके हमारी स्प्रिंग की लाइब्रेरीज आ जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, अब जरा चलते हैं एंड लेट्स क्रिएट द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। यस वी हैव, एंड इसका कोई भी एक रेफरेंस बना देते हैं। न्यू, अब क्वेश्चन आता सर ये तो एक इंटरफेस है, क्या है इंटरफेस, और इसका ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, तो इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन कौन सी है। तो नाउ इसका भी मैंने डिफिनेशन वहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन कौन सी है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है बच्चे हमारे पास क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल सिस्टम और वेब एप्लीकेशन। क्लास पाथ जब आपकी स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्लास पाथ लोकेशन पे हो, फाइल सिस्टम जब आपकी स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके मशीन में किसी भी लोकेशन पे हो, और वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। तो अभी हम फिलहाल वेब एप्लीकेशन पे काम कर नहीं कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो लेट्स सी हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ है, SRC के अंदर, और SRC के अंदर इसका मतलब हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लाइक दिस। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी उसी फाइल का नाम मेंशन करना पड़ेगा, तो स्प्रिंग कॉन्फिग डॉट XML। अब ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमें क्या करता है, कई सारे फैक्ट्री मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें से एक है बीन। और इस बीन में हमें क्या चाहिए होगा, उस क्लास का जिसका क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा उसकी हमें रेफरेंस आईडी देनी पड़ेगी, एंड रेफरेंस आईडी हमने वहाँ पे क्या डिफाइन की है, हेलो। अब ये जो बीन मेथड है ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का रेफरेंस रिटर्न करता है, क्योंकि हम किसी भी तरह के बीन का ऑब्जेक्ट वहाँ से इनिशलाइज करवा सकते हैं। अब बट हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, हेलो वर्ड का, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हेलो वर्ड में डाउनकास्ट करना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि हम रन कराते हैं इस एप्लीकेशन को, तो वी आर गेटिंग द हेलो वर्ड और नॉट, सो नाउ वी आर गेटिंग हेलो वर्ड। दिस इज द सिंपल कोड, दिस इज द सिंपल हेलो वर्ड कोड क्रिएटिंग बाय स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग अब आपसे कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो आप मेरे में कन्फिगर करो, मैं उस ऑब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड करूँगा, प्लस उसकी लाइफ साइकिल भी मेंटेन करूँगा। So this is guys, hello world example using Spring. I hope you like it. Thank you.